नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। इस एल्बम का मेन पर्पस जो मैंने बताया था आपको पहले भी, हम एक मैसेज दे रहे हैं कोविड की वजह से सबको कि आप सबकी टेक केयर करिए। मेरा रोल है कि मैं एक डॉक्टर हूँ इस वीडियो में और मैं इलाज कर रही हूँ लोगों का, पर मुझे खुद को कोविड हो जाता है। और ये उस वीडियो में मेरे हस्बैंड हैं, इनका बैड नहीं है जैसा आपने वीडियो में देखा, तो इनके लिए बहुत मुश्किल था मेरी टेक केयर करना। और इस बात इनको डॉक्टर ने भी मना किया था कि आप दूर रहें इनसे, जैसा आपको पता है कोविड में सबको बोला गया था कि आप डिस्टेंस मेंटेन करें, बट ही सपोर्टेड मी, ही स्टूड बाय मी। मैं जब बीमार हुई उन्होंने खाना बनाना सीखा, किस तरह से खाना बनाना है, किस तरह से मेरी टेक केयर करनी है। मैं इनको अपने आप से दूर करे जा रही थी, बट आई थिंक ये मैसेज यही कहता है कि आप अपने लव वंस की टेक केयर करिए, उन्हें प्यार करिए, उनका ध्यान दीजिए, चाहे फिर वो कोई भी हो, आपके स्पाउस हैं, आपके मदर फादर हैं या आपके बच्चे हैं। सो दैट इज द मैसेज वी वॉन्ट टू स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितना मुश्किल था आपके लिए? मुश्किल तो देखिए सब चीज मुश्किल होता है जिंदगी में, आप पढ़ाई भी करो तो मुश्किल होता है, यू नो, बट अगर आप वही बोला कि बिलीव करो अपने ऊपर तो आप कर सकते हो, तो मेरा मतलब क्या है कि हाँ तकलीफ होता था, लेकिन यू नो एक मौका मिलता है आदमी को और वो मौका पे आपको चौका मारना पड़ता है। यू नो कोई आपको लाइक एक वो बोलते ना कि आपको एक टेक मिलता है, अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप नहीं कर सकते। तो वही एक मौका का तलाश है, तो कोई पेन दिखता नहीं था, कोई दर्द दिखता नहीं था, यू नो आई मीन कि खाली था कि इसको एक सक्सेसफुल बनाना है जर्नी को। चाहे वो एक मैसेज वही है कि जैसे एक दुआ दे रहे हम लोग कि ऑल द टाइम यू नो लाइक इन डिफिकल्ट मोमेंट्स एवरीबॉडी शुड बी टुगेदर, यू नो कोविड में इतने जन हम लोग खो दिए, सो दैट्स द होल थिंग आई वांटेड टू से। कितना प्राउड फील करते हैं इस एल्बम का हिस्सा बने आप? इट इज वेरी प्राउड, काफी स्ट्रगल किया, लोग मना कर रहे थे, ऑडिशन देने जाते थे आप, राइट? इट इज वेरी प्राउड बिकॉज यू नो लाइक थिंग इज मैंने काम बहुत किया लेकिन लीड नहीं मिला, तो वो लीड के तलाश में मैंने बहुत मेहनत किया। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैंने मुश्किल तो सब वक्त आता है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, जो मैंने आपको सेल्फ एक्सपीरियंस बता दिया था उसमें, और रिजेक्शन तो पार्ट है, क्योंकि आज रिजेक्ट नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपके क्लॉजेस क्या है, वीकनेस क्या है। सब जन रिजेक्ट होते हैं, यू नो लाइक टॉप अमेरिकन नेक्स्ट टॉप मॉडल लाइक चारा बैंक्स आल्सो गॉट रिजेक्टेड, टू बी फ्रैंक विद यू, ओके। पर सबसे सीखने को मिलता है कि एक जिंदगी आसान नहीं है, यू नो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू गेट व्हाट यू वांट। बॉलीवुड में एंट्री मार दिया आपने? हाँ, बॉलीवुड में एंट्री तो मार दी, लेकिन अभी और भी करना है, बस वही है कि अभी ये शुरुआत है, ये शुरुआत है और ये जर्नी की यू नो एक वो है। बिग बॉस में आप जाना पसंद करें? बिग बॉस में अभी तक सोचा नहीं है, यू नो प्रोजेक्ट बोलते जाओ कि तू फाड़ के आएगा, क्योंकि वैसे यू नो वैसे ही डरता हूँ, क्योंकि यू नो किसी डरने का नहीं, सिंपल, या आप बस जो है आपको, यू नो यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग बिकॉज व्हाट यू आर इज व्हाट यू आर, एंड बिग बॉस में आपको रियल पर्सनैलिटी देखने मिलेगी। आशा मन की भाषा है, सुंदर परिभाषा है, आशा का आस लिए जीवन ये प्यासा है, फिर भी आशा है, क्योंकि बगैर आशा के कोई भाषा नहीं होती, उम्मीद पर ही दीवारें खड़ी होती,
होती हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा था ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि मैं बोलता हूं कि हर आदमी को प्रोत्साहित कीजिए, उत्साहित कीजिए, कम से कम वो जब उत्साह में आएगा तो दूसरे का उत्साह बढ़ाएगा, और जब वो काम करेगा तो नाम होगा, नाम होगा तो दुनिया के बीच में ही नाम होगा, इससे ज्यादा की जरूरत क्या है। मैं आप लोगों के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा, और वो इसलिए कहना चाहूंगा कि कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुढ़ारी वतन बेच देंगे, सम्मान मानों का अगर गिर गया तो शमशान से वो कफन बेच देंगे, मीडिया अगर जागती है तो देश की रक्षा होती है। इसलिए पत्रकार बंधुओं, सजग होकर देश को के नौजवान को जगाइए, भारत को महान बनाइए, और इस तरह जो चल रहा है कि उनसे इस देश को बचाइए, नफरत की आग को बुझाइए, मोहब्बत के बेल को लगाइए, यही चीजें हम आपसे उम्मीद रखते हैं, आप हमसे जो उम्मीद रखते हैं मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद। हम कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करते हैं, और ये है जो मेन मैनेजिंग ट्रस्टी मिस्टर सईद मियां, उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी है, एंड वी स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एंड ऑलमोस्ट 45 कैंसर पेशेंट वी हैव हेल्प एंड वी हैव रीच देम, और हमने अपनी तरफ से इनको हेल्प किया है, मतलब वी हैव नॉट गेटिंग फंड्स एज सच, द मे अदर पीपल आर गेटिंग, अदर एनजीओज आर गेटिंग, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लीगल हेल्प भी देते हैं, आई एम वन ऑफ द एडवोकेट इन अटैच विद दिस एनजीओ, और भी एडवोकेट्स हैं जो जिनको मतलब जो गरीब लोग होते हैं जिनको हेल्प लीगल हेल्प मिलती नहीं है, ऐसे लोगों को हम हेल्प करते हैं, और इस पेंडेमिक के टाइम पे हमने लोगों को 1200 लोगों को पर डे खाने के पैकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए। जैसे अभी जो ह्यूमैनिटी है, देयर शुड बी सम काइंडनेस इन योर हार्ट टू डू दिस ह्यूमैनिटी, और हमने उस तरीके से जो भी है, हमारा पर्पज यही होता है कि किसी को गरीब हमारे तक आता है हम उनको हेल्प करते हैं, वी रीच देम। आज का जो प्रोग्राम हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और हमको जो इन्होंने जो है अवार्ड से नवाजा, हमको बड़ी खुशी हुई उसकी। ये हमको ऊपर वाले के तरफ से जो गिफ्ट मिला, हमने जो लोगों की हेल्प की है उसकी तरफ से हमको ये आज गिफ्ट मिला, हमको बड़ी खुशी हुई उसकी। अच्छा, दिस अवार्ड, दिस प्रोग्राम जो उन्होंने मदर करके जो डेफिनेशन, मदर का डेफिनेशन एक अच्छा सा डेफिनेशन में देंगी, लाइक यू नो एट हूज ब्रेस्ट द ह्यूमैनिटी इज नरिश्ड एंड इन हूज लैप द ह्यूमैनिटी इज क्रैडल्ड। सो बेसिकली इनका जो मदर लेके जो एनजीओ चल रहा है, मदर का बेसिक वही है टू गिव बर्थ टू ह्यूमैनिटी। सो मुझे बहुत अच्छा लगा द कॉज विच ही हैज कम अप एंड वे ही हैज ट्रैवल्ड टू दिस लेवल एंड ही इज ट्रैवलिंग विद द पेन फॉर द पीपल। आई रियली अप्रिशिएटेड हिम विद ऑल दिस थिंग एंड आई pray that this NGO should grow and we will be one of the part of it in near future, and whatever way we can help them we will definitely do for them. Madam, ek share arch karunga, kabhi marna hai humko bhi, ye hum kyun bhool jate hain, kabhi marna hai humko bhi, ye hum kyun bhool jate hain, faqat apne liye jeete hain, apno pe lutate hain, magar jo gheron ke aansu hatheli pe sajate hain, farishte un haathon ki lakeeron mein muskurate hain. Let me rephrase it. Project Mother, you have to save Mother. Do not forget who brought us in this world. ये हमारा motive है, और ये हमारा motive है Project Mother का, कि जो अपने हिंदुस्तान के अंदर हमारी माँ जो rural areas के अंदर मर रहे हैं, यू नो, जो इतने अब तक उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, उनके लिए मैंने 100 मैटरनिटी होम्स खोलने का इरादा किया है, और हमारा फर्स्ट पनवेल में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद मनीष भाई, ऐसा फर्स्ट प्रोजेक्ट मदर हमारा वहाँ से स्टार्ट होगा, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम उस जगह पर खोलेंगे जहाँ पर जो माओं को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, और हम लोग एक माफ कार्ड MAF इस मुन्नी अयूब फाउंडेशन, जो मेरे माँ बाप के नाम पर हम लोग खोल रहे हैं, जिसके जरिए हम लोग जितने हिंदुस्तान की माँ हैं जो यू नो दे विल कम
कम इनटू द कांटेक्ट उसके उनके लिए फ्री इलाज का हम लोग पूरा एक प्लान और एक सिस्टम बनाएंगे जिससे उनका फ्री इलाज होगा, उनकी फ्री ट्रेनिंग होगी, उनकी एजुकेशन हम वहाँ पर देंगे उस फैसिलिटीज के अंदर। तो प्रोजेक्ट नदर के अंदर हमको सिर्फ मेटर्निटी होम्स नहीं खोलना है, वहाँ पर इन माओं को जो अनएजुकेटेड हैं जो रूरल एरियाज में, वो वहाँ पर आके एजुकेटेड होंगे और उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एंड आई एम प्री श्योर मैं पूरे हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमको फोकस करना है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि आप देखते हैं कि हर गरीब के घर के अंदर ही अपाइज क्यों है, अंबानी और उनके जैसे बड़े बड़े पैसे वालों के घरों में क्यों अपाइज नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस एग्जैक्ट प्रॉब्लम कि उनके पास में जो गाँव में जो औरतें हैं उनको वो ट्रीटमेंट वो नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा फर्ज है कि हमको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई ये मेरा प्लान है और ये मेरे खुद के घर के अंदर हुआ है। मेरे खुद का बड़ा भाई जो था जो दुनिया में नहीं आ सका, वो इसी वजह से ही कि हमारे घर में ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंच पाए कि हमारे पास पैसे नहीं थे, मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे, हमारे फादर के पास पैसे नहीं थे। तो ये प्रोजेक्ट मदर बहुत बड़ा है और इसमें पूरे हिंदुस्तान का मुझे सपोर्ट चाहिए। जैसे मनीष भाई यहाँ पर बॉम्बे में और इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, इन्होंने फर्स्ट मेरे साथ कोलैबोरेशन करके ये जॉइंट हैंड है विद जेस्टिन एंड केयर फाउंडेशन और हमारा पहला प्रोजेक्ट ब्रदर मदर खुलेगा पनवेल के अंदर। पनवेल में मैं फारूक जी का मैटरनिटी होम खोलूँगा, मैं और मनीष एक ही हैं, बस साथ ही काम करते हैं, मैं इनसे कमिटमेंट करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। ओह माय गॉड, बस ये इसका मैटरनिटी होम पनवेल में मैं खोलूँगा। हमारी ट्रस्ट है हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट, अभी पूरे कोविड में खाना खिलाते रहे जी, तो इनका भी वही काम था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ मैं, और अपनी मदर की बड़ी सेवा करते हैं ये देखकर तो मैं मेरा दिल भी दूर से आप देखो यूएस से आए इंडिया में, है ना, इसी मकसद के लिए आए, ये ऐसे ही नहीं चले आए ये कोई इवेंट करने आ गए, तो इनको देखकर मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। इसे हमें सीखना चाहिए, इन लोगों से सीखना चाहिए, इतने दूर दराज देशों में बैठ कर एक नेक मकसद लेकर ये हमारे मुल्क में आते हैं और हमें अप्रिशिएट करके कुछ कर रहे हैं। तो ये मेरा इनसे वादा है कि इनका जो पहला मैटरनिटी होम है वो हम पनवेल में मैं खोलूँगा और शाहरुख भाई को जरूर बुलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोग से एक बात, आई थिंक ये शाहरुख खान का डायलॉग है या किसी ने उनके लिए लिखा होगा कि अगर कोई दिल से कोई चीज़ आप चाहो तो वो उसकी कायनात उसकी उस शिद्दत से जुड़ जाती है। तो अगर मैंने 100 का मैंने इरादा किया तो सिर्फ इरादा होता है। आप लोग कोई भी इरादा कर लो, अगर आप घर से निकलने से पहले आप एक इरादा कर दो कि यार सारा में मुझे जाके इवेंट करना है, तो आप कैसे गाड़ी में बैठ जाते हो, किस तरह आप यहाँ तक पहुँच जाते हो, किस तरह राइट लेफ्ट लेते हो, सिर्फ इरादा होता है। तो आप लोग कोई भी एक छोटा इरादा किसी की मदद करने के लिए लेते हो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है। तो ये शुरू में एक हो गया है, ऐसे 10 बनेंगे, 20 बनेंगे और मेरे जाने के बाद 1000 बन जाएंगे। तो हमको हमारा अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई पर्पस नहीं है तो हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो प्लीज़ ये प्रोजेक्ट मदर के लिए आप बहुत बहुत मेरी मदद करें और जो हम लोग ने वीडियो बनाया है उसको इतना आप लोग प्लीज़, ये वीडियो नहीं है, इसको कोई फेमस या कोई चीज़ का नहीं है, ये सब प्रोजेक्ट टू सेव लाइफ। तो प्लीज़ इस वीडियो को, 7 वीडियो को मोहम्मद इरफान जो सिंगर इनके और राशिद खान इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो प्लीज़ इसको इतना प्रमोट कीजिए ताकि हम लोग घर घर ये जाके पहुँचे और लोगों की मेंटालिटी चेंज हो। हम म्यूज़िक के ज़रिए, लिरिक्स के ज़रिए और विजुअल के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। और रशिया के अंदर हमारी म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ होती है तो वो लोग रोते हैं, उनको लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती है, तो कितना इम्पैक्ट है। तो इसीलिए मैंने म्यूज़िक वीडियो बनाया साथ। तो प्लीज़ पूरे मीडिया से आपका हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको मैं 6 लैंग्वेजेस में डबिंग कर रहा हूँ ताकि हर लैंग्वेज में इसका एक रिलेशनशिप बने। तो प्लीज़ आप लोग इस 7 म्यूज़िक वीडियो को इतना प्रमोट करें कि ताकि हर कोई इसे रिलेट है और लोगों की जान बचे। मेरा मनीष जी से सवाल है कि मनीष जी आप कैसे जुड़े फारूक जी से, केयर फाउंडेशन से कैसे जुड़े, आपकी कंपनी है केयर से, कैसे आप लोग जुड़े? इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी का मकसद पॉजिटिव हो तो उसके लिए जैसे फारूक भाई ने बोला कि कायनात जुड़ जाती है, तो उनका जो पॉजिटिव वे देख के मैंने बोला कि फारूक भाई मैं इंडिया में आपके लिए 24 आवर कोई भी नोबेल कॉज हो या पर्सनल प्रॉब्लम हो या कोई भी इनिशिएटिव लेना हमें, विल डू इट। एंड इनके जज्बे को थैंक यू कहना चाहता हूँ मैं कि इन्होंने जो अमेरिका में इतना बड़ा काम किया है, म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया है और इन्होंने जो मिस्टर जयसुख, आई डोंट नो योर नेम फुल नेम, बट आई टुडे पता चल गया मुझे कि आपके पास कितना मोटिवेशन है, आप कितने लोगों के लिए मोटिवेशन बनोगे आज। तो ऐसे लोग अगर जुड़ेंगे तो बहुत आगे लोग बढ़ते जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया और थैंक यू सो मच टू ऑल। आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी है हमें कि हमने जो नोबेल कॉज हमने जो अनाउंस किया है कि 100 मैटरनिटी होम्स हमें बनाना है, उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे और आगे भी हम लोग ऐसे नोबेल कॉजेस ऐसे हम लोग प्रमोट करेंगे।
करते रहेंगे। सब पनवेल में होने वाला है तो आप भी पनवेल से जुड़े हैं नवीन में, तो क्या क्या प्लानिंग है थोड़ा कुछ अगर आप बताएं। जी पहले तो इसके लिए हमें रूरल एरियाज में कितने लोग रहते हैं उसके बारे में हमने रिसर्च किया, कितने लोग जो है पुअर फैमिलीज हैं जिनको जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स है लाइफ बड़े बड़े हॉस्पिटल जिनमें उनको उतना फीस नहीं पे कर पाते, तो हमने एक रिसर्च करके सबका एक कार्ड बनाएंगे। उसके अलावा हमने 2000 स्क्वायर फीट की जगह हमें उसके लिए एक्वायर किया है, उसमें हम लोग अपना एक कॉर्पोरेट तरीके से उसकी पूरी प्लानिंग है हम लोग की। क्या आप सरकार से मदद लेने के लिए कुछ अपील करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि लगातार सरकार की भी मुहिम है कि हेल्थ सर्विस में काम किया जाए। जी देखिए सरकार अगर हमें मदद करेगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो देखिए क्या होता, हम किसी के लिए रुकते नहीं, हमारे साथ जितने जुड़ते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे, सरकार करेगी तो हमें एक पंख लग जाएगी। जिस तरीके से आपने बाहर देशों में भी काफी मदद की है लोगों की, इंडिया में आने के बाद किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, किसी तरीके की हेल्प या कोई साथ दे रहा है साथ में? आई थिंक आप यहाँ ही देख सकते हैं यहाँ पर इस इवेंट में कि मेरा तो एक विशाल लेकर आया था और आई थिंक मुझे ऑनर कर रहे थे यहाँ पर, जो मैंने इंडिया का नाम वहाँ पर यूएस में किया, तो वो एक बिगिनिंग थी और अब सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। और मैंने 100 का एक मेरी माँ को लेके आना इसका एक रीज़न ही था कि प्रोजेक्ट मदर मुझे अनाउंस करना, क्योंकि मेरी 4 साल से इसकी प्लानिंग थी जब मैं शूटिंग के लिए देखा था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मनीष भाई और सर जुड़ गए यहाँ पर कि एक खुल गया, तो इसी तरह आई थिंक बहुत लोग हैं जो जुड़ेंगे इसके ऊपर और इट्स जस्ट अ थॉट। तो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसके लिए और आई थिंक जिसका दिल साफ है और उसकी नीयत साफ है तो खुदा और मालिक ऊपर वाला रहम उस पर इतना बरसाएगा कि आप जब सुबह उठोगे दिखेगा कि आपको 100 बन गए। तो इट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। सर कोई ब्रांड एम्बेसडर होगा आपको जो प्रोजेक्ट का, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ज्वाइन? इसका ब्रांड एम्बेसडर तो अभी मालिक ही है और कोई नहीं है, एंड आई डोंट थिंक सो आई वांट टू मेक एनीबॉडी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। सो और जब होगा जब देखेंगे। सर वन डे आपके नाम से जो है यूएस में चल रहा है, इंडिया में किस तरीके से चीजों को लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं या साथ दे रहे हैं आपका इसके लिए? बहुत अच्छे से, बहुत लाइकेबल और मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने वो कुछ ये सोच कर नहीं किया कि यार मैं वो काम करूँगा तो मुझे दिन मिलेगा, लेकिन भारत के जितने लोग मुझे यहाँ मिल रहे हैं, जब आया हूँ यहाँ पर तो इतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट, एंड आई एम ऑनर्ड और मैं हर किसी से इतना खुश हूँ और सहमत हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मैं एक आइडल बनूँ लोगों के लिए कि एक गरीब लड़का कहाँ से कहाँ कुछ कर सकता है, कुछ नहीं होकर सिर्फ एक थॉट, सिर्फ एक सोच, कि वो सोच अगर लेके आ जाए तो सारी काइंडनेस जुड़ जाएगी। तो आई थिंक I want to become that example, जैसे मनीष भाई जुड़ गए और सर जुड़ गए हमारे साथ में, तो I think ये एक टैग ऊपर वाला देता है उसको, आई थिंक प्रशंसा आई थिंक बोलते हैं कि वो थैंक यू कैसे बोले, तो आई थिंक ये जितनी भी शान और शौकत होती है वो मालिक आपको एक वे ऑफ थैंकिंग है ताकि लोगों के अंदर वो मोटिवेशन हमारे जरिए आए, तो ताकि लोगों के अंदर दिलों के अंदर वो मोटिवेशन आ जाए कि वो लोग यू नो सारा कुछ करें और लोग ही मदद करें। तो आई वांट टू बी दैट पर्सन बिफोर आई डाई कि दैट पीपल हु फॉलो मी एंड माय एम यू नो इवन इफ आई डाई आफ्टर दैट यू नो हमारी एक जर्नी चलनी चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन, कि हमारी माँ के लिए मैं सबसे यही हमेशा ये बोल रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे पेरेंट्स के लिए आपको बहुत कुछ करना है बिकॉज दे आर द एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। सो यस फारूक जी के बारे में खाली एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मैं। मैंने एक छोटी सी घटना पढ़ी थी, एक दशरथ माझी करके एक गरीब व्यक्ति था, वो रहता था उड़ीसा में, उसकी पत्नी का ट्रीटमेंट इसलिए नहीं हो पाया कि उसके गांव से शहर के बीच में एक 22 किलोमीटर का एक वो था पहाड़ था, रास्ता नहीं था, वो अपनी वाइफ को उस, लेकिन ये मैं नहीं चाहता कि दूसरा दशरथ माझी की वाइफ का इलाज या गांव के किसी व्यक्ति का इलाज रास्ते के लिए नहीं हो पाया और उसने वो कारनामा करके दिखाया, तो वो इंसिडेंट बिल्कुल इनके ऊपर लागू होता है। और मुझे विश्वास है कि इन्होंने जो 100 ये मदर हॉस्पिटल का एक संकल्प लिया है, ये उन्हीं दशरथ माझी की तरह इनका एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा और मुझे विश्वास है कि ये उस अपने संकल्प में कामयाब होंगे। खाली इनके बारे में एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, जो केयर फाउंडेशन है, इट्स रियली केयरिंग टू द नीडी पीपल एंड इट शुड गो ऑन। थैंक यू।